ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एक रिश्वतखोर इंसान की है। खूब गौर से देखें, अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करें और याद रखें, पहचानने के बाद याद रखें ऐसे शख्स को। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का मामला है। बिजली विभाग के कर्मचारी को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। यह वही बिजली विभाग का कर्मचारी है। शिकायतकर्ता जहांगीर का आरोप है कि उसके 40 गज के मकान का मीटर टेम्पर बताकर 7.78 यानी तकरीबन 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। टीजी मनीष गुप्ता ने आधे में मामला निपटाने की बात कही। शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया और टोकन मनी लेते हुए मनीष गुप्ता को पकड़ लिया। ये मनीष गुप्ता की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से आप देखें, पहचान लें। वैसे बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त बहुत बड़े घोटाले होते हैं और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वैसे तो संविदा पे रखे हुए हैं। ज़्यादातर लोग संविदा वाले मजदूरी जैसे हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं मगर फ़ायदा उठाते हैं जो और बड़े कर्मचारी हैं जो परमानेंट हैं, जिनको अपनी नौकरी खोने का कोई ख़तरा नहीं। उत्तर प्रदेश की बिजली का ये हाल है कि लाइट कब चली जाएगी किसी को पता नहीं। अगर बारिश हो जाए तो फौरन लाइट चली जाती है, ना या कोई युद्ध चल रहा है, ना यूक्रेन जैसी जंग चल रही है, ना और कोई समस्या है, लेकिन लाइट फौरन चली जाती है बारिश होती है। और उत्तर प्रदेश की बिजली के जो रेट हैं वो भी आपको पता होंगे, चुनाव के वक्त में इतने यूनिट माफ़ कर देंगे, उतने यूनिट माफ़ कर देंगे, इस तरह की बातें भी आप सुनते होंगे। लेकिन बड़े घोटाले होते हैं और रिश्वतखोरी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है एक तरह से मुजफ्फरनगर का। ये जो मनीष गुप्ता है इसको फिलहाल विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारे मनीष गुप्ता बैठे हुए हैं ऑफिसेस में, कुर्सियों पर जमे हुए, मामूली काम के पैसे लेते हैं वो लोग, लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं फर्जी तरीके से मामले बना करके, फिर सेटल करने के पैसे लेते हैं। ये खबर थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की यहाँ पर। यह खबर ट्रू स्टोरी ने पब्लिश की हुई है, सोशल मीडिया एप पर यह वायरल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसको ट्विटर कहते हैं, एक्स अब उसका नाम है, वहाँ पर ये वायरल है। लेकिन ऐसे मनीष गुप्ता को ज़रूर ध्यान में रखें। ऐसे मनीष गुप्ता आपके आसपास में बहुत सारे लोग, ये सब वो समाज के सम्मानित और इज्जतदार लोग हैं जो जब ज़रूरत होती है वो बात करते हैं बैठ करके, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और संस्कृति, देश का इतिहास, धर्म, समाज और न जाने कैसी कैसी बातें जोड़ करके बातें करते हैं, बड़े मीठेपन से और भलेपन से। मगर जो कैरेक्टर है वो ये है कि हम सब चोर हैं। ये हमारा सबका कैरेक्टर है। बेईमानी करने से हम चूकते नहीं, धोखा देने से हम चूकते नहीं, झूठ बोलने से हम चूकते नहीं, रिश्वत लेने से हम चूकते नहीं। देने वाले की मजबूरी हो जाती है, उसको देना पड़ता है। मैंने भी बहुत दिए, देने वाले की मजबूरी हो जाती है। तो इस आदमी का आप चेहरा ध्यान में रखें, बुरा ना समझे इसे, ये हम जैसा ही है। और से देखें, ठीक से देखने के लिए अपने आप को खुद आईने में खड़े होकर के देखें, ये हमारे ही जैसा है। शुक्रिया आप सभी का।